हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। दशम श्रेणी पिलामानक पई एसए टू जार होइछि आगामी समय एसए टू परीक्षा 2022। तो तार गोटे मॉडल क्वेश्चन पेपर अर्थात गोटे प्राक्टिस सेटा माने एसए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रो तो को भली पैटर्न रे तुमरो क्वेश्चन आसीबो तो हमें से भली संभावित प्रश्न उत्तर नै आसछे तो ताको आलोचना करबा। एई फळे आमे प्रति सब्जेक्ट रो पांचटी सेट नै आसबा। तो पांचटी सेट प्रत्येक विषय रु पांचटी सेट जहाँ कि तुम पई बहुत हेल्पफुल रहबो। जेमति कि साहित्य रे पांचटी, इंग्लिश रे पांचटी, मैथ पई तो आमे ऑलरेडी अलगा प्लान करने छे, साइंस रे पांचटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पांचटी, एई भळे सेट रे आमे नै आसबा। तो तापूर्व जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी तो ये सेट्र जहाँ भी तुम जो सेट टी प्रैक्टिस सेट आसो तुम 7:30 प्रतिदिन 7:30 पीएम रे लाइव रर्थात प्रीमियर क्लास रत्तटा 7:30 ठीक अच्छे नोटिफिकेशन ऑन कर दि जहाँफल कि नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँच क्लास टाइम पूर्व। ओके देखिबा प्रथम क्वेश्चन कौन रही उत्कल जननी नेत्र उद्भासित तो यार सठिक उत्तर हूँ कौन देखा शुभ्र तटिनी जलकणा पर्वतमाला ज्ञान विज्ञान उत्कल जननी नेत्र हूँ ज्ञान विज्ञान रे उद्भासित ऑप्शन सी हूँ यार सठिक उत्तर। से भाई दुई नंबर देख शुक सारण केउ रूप धरी विभीषण और अंगद निकट को जाते बड़े रावण तार सैन्य जो मंत्री दुई जन शुक सारण को पठाई था कौन पाई एपट सब तथ्य नहीं जी बोली से माने को रूप हो से माने बतक रूप होके आसते ठीक अच्छे ऑप्शन बी। देख थर्ड अच्छी चिलिका पवन रे केउ कवि संगीत भासी आसुला चिलिका पवन रे केउ कवि संगीत भासी आसुला को कवि कवि सूर्य किए बलदेव रथ एटा कवि सूर्य हम नाई कवि सूर्य बलदेव रथ नुह कवि सूर्य चिलिका पवन रे केउ कवि संगीत भासी आसुला कवि सूर्य ठीक अच्छे। चार नंबर तरणी रे जलुवा मशाल को कवि क्या सहित तुलना करणी रे जलुवा मशाल को कवि क्या सहित कौन थी चार नंबर तरणी रे जलुवा मशाल को कवि क्या सहित तुलना कर देवमूर्ति पापमूर्ति शुभमूर्ति अशुभमूर्ति तो कौन हम ताको पाप मूर्ति सहित तुलना कर ठीक अच्छे ऑप्शन बी। पांच नंबर देख उषा देवी निज करपल्लव कौन उपहार नहीं आख उषा देवी निज करपल्लव कौन उपहार नहीं आसी निहार मुक्ता स्वर्ण वस्त्र आउ भस्म कौन नहीं ये निहार मुक्ता ऑप्शन ए हूँ यार सठिक उत्तर। से भाई छ नंबर समीर कहा निर्देश रे संगीत गान करी समीर कहा निर्देश रे संगीत गान करी वाल्मीकि सीतांक उषांक ना अनुकंपा तो कहा ये रे समीर उषांक निर्देश रे संगीत गान करी। सात नंबर मुनि मानक मुख निस्तृत वेदस्वन क्या पूर्ण करी ये जो मुनि मानक मुख निस्तृत सब वेदस्वन वेदध्वनि कौन पूर्ण करी श्याम वर्ण को पूर्ण करी। नेक्स्ट देख आठ नंबर क्वेश्चन आठ नंबर प्रश्न अच्छे माटी मार मीठा पानी धीर पवन कवि देह कौन दे मटिमार जो मीठा पाणी एवं धीर पवन कवि देह कौन दे
କ'ଣ ଦେଇଛି? ବଳ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିନଥିଲେ କବିତାରେ? ବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାଟି ମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଦେଖ ଗଲା, ଦେହର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାଟି ମା ପାଇଁ କ'ଣ? ଚେରମୂଳି ସବୁ ଗଛଲତା ସାଇତିକି ରଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର, କବି କ'ଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ତପ ବଳେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। କ'ଣ? ତପ ବଳରେ, ମାନେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର, ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ, ଉତ୍ତମ ଦାସ, ବୈଷ୍ଣବ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, କାହାଠୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କାହାଠୁ? କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। 12 ନମ୍ବର, ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଯୁଥିର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କେଉଁ ପର୍ବ? ରଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର, ସବୁ ସମୟରେ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ SA FA 1 ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ରହିଛି, ଗତାନୁଗତିକତାର, ଗତାନୁଗତିକତାର ଅପସନ୍ ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା SA 1 ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, FA 1 ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 14 ନମ୍ବର, ଦୃଢ଼ ମନା ନରେନକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଦୃଢ଼ମନା ନରେନ ବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଜୀବନର କର୍ମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଜୀବନର କର୍ମ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି 15 ନମ୍ବର, କାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା? କାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ନରେନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା? ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର, କାହାର? ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କିଏ କହିଥିଲେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 17 ନମ୍ବର, କ'ଣ ଦେଇଛି, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲ, କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର, କ'ଣ ଦେଇଛି 18 ନମ୍ବର? 18 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜଗତମୋହନ ଲାଲ, ଇଏ ତୁମର FA 4 ମେ ବି FA 4 ପଡ଼ିଥିଲା, ଜଗନମୋହନ ଲାଲ, SA 2 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ। 1900 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 19 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1909 ମନେ ରଖିବ, ଇତିହାସରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, କମନ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 1909 ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ
किए प्रतिष्ठा करते समस्ते कमेंट बॉक्स में लिखे ठीक अच्छे। 20 नंबर गाँ मजलिस रम्य रचनार लेखक नाम कौन किए लिखी थे गाँ मजलिस गाँ मजलिस लिखी थे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ठीक अच्छे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। 21 नंबर काठ गोदाम काठ गंडी क्विंटल प्रति दर केते टंका थिला काठ जो अच्छे विषय तुम्हारे तेरे लेखा अच्छे केते टंका थिला थिला तार दाम 12 टंका ये क्वेश्चन आलोचना करथिले आमे पुणी बहुत सिलेक्शन क्वेश्चन में मध्य रहिछ। 22 नंबर बाबू किणीथिबा काठ गोडर ओजन केते थिला केते से 2 क्विंटल काठ किणीथिले ठीक अच्छे। 23 नंबर काठ कटाळीटी सेतक काठ चिरबा केते दिन नेबो बोली बाबू अनुमान कले केते दिन नेबो बोली अनुमान कले से अनुमान कले 2 दिन केते सठिक उत्तर उत्तर केते 2 दिन ठीक अच्छे। एबे देखिबा 24 नंबर तो देखो 24 नंबर कौन देला प्रश्न 24 नंबर रे गल्परे बटवृक्ष को गाल्पिक कहार प्रतीक भाव ग्रहण करछंती जो गल्परे बटवृक्ष कथा रहिछि गाल्पिक ताकु कहार प्रतीक भाव रे ग्रहण करछंती ताको जननी ऑप्शन ए जननी रा प्रतीक रूपे गाल्पिक ग्रहण करछंती ठीक अछि। नेक्स्ट देखो 25 नंबर केते नंबर 25 मनुष्य जातिटा कोन बोली नटवर बाबू मने करछंती मनुष्य जातिटा कौन बोली मनुष्य जातिटा अकृतज्ञ कौन अच्छी अकृतज्ञ बोली सी मन कर ठीक अच्छे। ऑप्शन सी टिके तुमको विजिबल प्रॉब्लम होना ठीक अच्छे तुमको पीडीएफ देलापर तुम्हें चेक कर नब भी क्वेश्चन गुड़िक क्लास सरलापर तुमको टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक अच्छे एसआर एजुकेशन आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जोटा से तुमको तार पीडीएफ अवेलेबल हो लिंक अच्छे जो मैंने भी जॉइन कर जॉइन कर। 26 नंबर चौतरा उपरे मधु तियाड़ी कौन पढ़ुते मधु तियाड़ी कौन पढ़ुते मधु तियाड़ी पढ़ुते भागवत कौ गच मूल बसी चाकुंडा गच ठीक अच्छे मन पक ठीक अच्छे चाकुंडा गच ना कौ गच मोर मन थिला जा कहली बाय चांस भूल कह दी थी तेणु चेक कर नब ये लिखाई कौटे के गोड़े बेल और अश्वत गच उठी क्यों गोड़े बेल और अश्वत गच उठा कौ गच बर गच कोरड़े ठीक अच्छे। अठाईस नंबर रहा कोणार्क मंदिर निर्माण मुख्य कारीगर किए समस्ते जान चटा यटार किसी कथा ना विशु महाराणा मुख्य कारीगर थिला तांकर हेड मिस्त्री विशु महाराणा विशु महाराणा पुओ ना कौन समस्त कमेंट कर दियो कौन। 29 नंबर सबुदिन ए शिल्पी कूल बंची रो यह कहार उक्ति ये कथा किए कही सबुदिन ये शिल्पी कूल बंची रहू एक कथा किए धरमा जो सी 1200 बढ़े पाए निजर जीवन को त्याग करदे से कही। 30 नंबर मंदिर क्यों कार्य संपूर्ण हो पार ना कौन बस पार ना जोटा को धर्मा बसई कौन दधि नौती ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा 31 नंबर एवं आरंभ हो गला ग्रामर पार्ट ठीक अच्छे यू आसला तुम देख ग्रामर पार्ट युम रही मॉडल क्वेश्चन रु देखु से तीसटा क्वेश्चन रद्यर 10 पद्यरु 10 देख ये गद्य 10 पद्य 10 एवं तापर रहा कौन
तुम्हारे जो गल्प रही से दस तीस रहा पूरा पैटर्न ये तीस आउ ग्रामर रहा कोड़े टोटाल हूँ पचास बुझेगा क्वेश्चन पैटर्न सर्ट क्वेश्चन रोठू केोश्चिन आस तुम यूर जापर वाक्य कौन देला वाक्य पद योजना वाक्यर के गुण वृद्धि कै वाक्य पद योजना वाक्यर सौंदर्य को वृद्धि कै ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित शिष्य मान को उपदेश देले वाक्य मुख्य कर्म कौन चिन्हट कर ठीक अच्छे। पंडित शिष्य मान को उपदेश देले कौन करने कहले कौन कार्य होला उपदेश देले मुख्य कर्म होचे उपदेश कामटा होचे कौन उपदेश देवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख तेतीस नंबर जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को कौन कह जाए जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को गोटे वाक्यर जेकोसी वाक्य हो तार समन्वित रूप को कौन कह जाए तार मिश्र वाक्य ठीक अच्छे। मिसीगले एकाठी मिश्र वाक्य समन्वित। चौतीस नंबर केऊ केऊ वर्ण पर अन्य वर्णर व्यवधान नथिले नर ण हुए नहीं सत्वविधि नत्वविधि जो अच्छी से कौन बेटा च छ ज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख पैंतीस नंबर निम्नलिखित केऊ स्वर वर्ण पर न नथिले नत्वविधि होता है निम्नलिखित केऊ स्वर वर्ण पर न नथिले नत्व विधि होइथाए तो एटा होची कौन औ ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा छत्तीस नंबर निषाद एठारे सत्व विधि हेबार कारण कौन निषाद सत्व विधि हेबार कारण कौन अच्छे एठी परे स तेणु सत्वविधि। सैंतीस नंबर केऊ शब्द क्षेत्र में स जंते जगह मुद्नेश हुए ना क्यों क्षेत्र में देश जाऊ वैदेशिक क्षेत्र में ठीक अच्छे। ऑप्शन ए अड़तीस शुद्ध रूपटी चिन्हट कर कृष्ण कृष्ण कौटा शुद्ध रूप देख ये कृष्ण है ये शुद्ध रूप। अड़चाश निम्नोक्त मध्य केउटी शुद्ध चिन्हट कर शुद्ध हूँ सज्जन सर्जन सर्जन है। चालीस नंबर निम्नोक्त मध्य क्योंटे नत्व विधिगत अशुद्धि अटे नत्व विधि अशुद्धि कले कौटा हे पूर्वान्न पूर्वान्न ऑप्शन बी। एकचालीस चैतन्य दास विष्णुगर्भ पुराण केऊ छंदरे रचित देख छंद आईला अलंग छंद अलंकार चैतन्य दास विष्णुगर्त पुराण केऊ छंदरे रचित केऊ छंदटा दांडी वृतरे ठीक अच्छे। ऑप्शन डी। 42 देख थर आसगला ना कौन अच्छी टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सजे टेकी बारे चाहा मथुरा दांडे गोविंद विजे यह केऊ छंदर रचित चार पांच नौ चार तेर तीन षोलटा अक्षर अच्छे षोल अक्षर अच्छे कौन हम राम केरी ये दुई दु चार दु छ नौ दुई एगार पाँच षोह षोल षोल अच्छे राम केरी ठीक अच्छे। तेयालीस नंबर बंगलाश्री छंदरे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते एटा एफ फोर एटा कोड़ी अक्षर ठीक अच्छे। बंगलाश्री छंदरे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते कोड़िए। चौरालीस नंबर
चोखी छंदर तृतीय पादरे क्यों अक्षर उपरे ज्योतिपात हुए? चोखी छंदर तृतीय पादर क्यों अक्षर उपरे ज्योतिपात हुए? क्यों अक्षर हटाब षष्ठ आउ शेष। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देख 45 नंबर, तुम साहित्य बहर क्यों कविता नटवाणी छंदर रचित? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तुम साहित्य बहर क्यों छंदा क्यों जो कविता अच्छे नटवाणी रे रचित कौटा? चिलिकार सायंतन दृश्य सेटा अच्छे नटवाणी रे, एगुड़ा मन रखा पड़ब। काव्य कविता अलंकार एक क्यों प्रकार उपादान? काव्य कविता अलंकार कि प्रकार उपादान ये हूँ कौन ताप गोटे सौंदर्यवधक अलंकार लगे से सौंदर्य देखा जाए कवितार काव्यर जमी तुम मैंने अलंकार लगे तुम्हें सुंदर देखा जीव सी कौन हम जदि आम साहित्य अलंकार प्रयोग कर सौंदर्यवर्धक हम सिंपल कथा समस्त मन रहा नाई। भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को क्यों अलंकार कह जाए? भिन्न अर्थ थ बारंबार आवृत्ति हो कौन कहटा जमक। एबे देखिबा 48 दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर चंजाल जलद जले आबिल उदर क्यों अलंकार प्रयोग होती रूपक दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन रस पंक ये वर्ण आज रूपक जंजाल जलद अटे आबिल उदर। 50 नंबर कीर्ति सौरभ गला दिगे दिगे भासी एठारे उपमान किए? कीर्ति सौरभ गला दिगे दिगे भासी एठी उपमान होची किए? एठी उपमान होची सौरभ। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देख 50 नंबर जमक अलंकार मुख्यतः केते प्रकार? जमक अलंकार होची 5 प्रकार। ठीक अच्छे, तो ये तुम 50 टी क्वेश्चन आम कवर करने जा गोटे प्रथम सेट। ठीक अच्छे, ये आम 5 सेट करवा परीक्षा पूर्व सब सब्जेक्टर, तो जो मैंने भी तुम सांगसाथी अच्छा समस्त को शेयर कर, समस्ते आम सहित जोड़ी हूँ। टेलीग्राम ग्रुप अच्छे जॉइन करूँ एवं टेलीग्राम एसआर एजुकेशन सर्च कले तुम्हें जॉइन हो जाओ चैनल। ठीक अच्छे, थैंक यू, जय श्री राम। आज ये पुणे आसंता काली।